भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को बाड़मेर के कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष फतेह खान, विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति दिलीप माली सहित कई कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना से लेकर अब तक के इतिहास पर प्रकाश डाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बाड़मेर के कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्र निर्माताओं को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष फतेह खान, विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति दिलीप माली सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डाला। अतिथियों की ओर से 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से अब तक के इतिहास की जानकारी देते हुए कांग्रेस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कांग्रेस को राष्ट्रवादी पार्टी बताते हुए इसके द्वारा देश की आज़ादी और देश के नव निर्माण को लेकर किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए पार्टी को मजबूत और सशक्त बनाने का आह्वान किया। AICC एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से संविधान बचाओ देश बचाओ भारत, हमारे लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय श्री मेवाराम जैन साहब जिला और वकील साहब रमेश जी, भाई महावीर जी और सबको जो है थानवीर जी, छोटू सिंह जी और कल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में विधायक मेवाराम जैन समेत कई वक्ताओं ने कांग्रेस के अब तक के सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।